न्यूयॉर्क का नाम तो आप सभी ने सुना होगा क्योंकि यह दुनिया का सबसे फेमस शहर है। यह शहर इतना विकसित है कि आज यह दुनिया का सबसे अमीर शहर है। न्यूयॉर्क बिजनेस, फैशन, एंटरटेनमेंट में पूरी दुनिया में सबसे आगे है। और भी बहुत जानकारी है न्यूयॉर्क के बारे में जो आपको नहीं पता होगी। इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है। सिर्फ 1200 किलोमीटर एरिया में फैले न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन 1,88,00,000 है। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला शहर भी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन आपको पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की आंखें न्यूयॉर्क की एक लैब में संभाल कर रखी गई है। हर साल न्यूयॉर्क में जितने मर्डर होते हैं उससे ज्यादा यहाँ पर लोग सुसाइड कर लेते हैं। न्यूयॉर्क के फेडरल बैंक के पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है। न्यूयॉर्क में गगनचुंबी इमारत ऐसी भी है जिसमें एक भी खिड़की ही नहीं है। दुनिया का सबसे पहला अंडरग्राउंड पार्क न्यूयॉर्क में खोला गया था 2018 में। न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, हर साल इस बिल्डिंग पर 23 बार बिजली गिरती है, सिर्फ इसी बिल्डिंग पर। इसका कारण आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी न्यूयॉर्क सिटी लाइब्रेरी है। इस पूरी लाइब्रेरी में लगभग 5 करोड़ किताबें हैं। दुनिया में इसराइल के बाद सबसे ज्यादा यहूदी कहीं रहते हैं तो वह न्यूयॉर्क में रहते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतीक है। शायद आपको पता ना हो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका ने नहीं बनवाया था। 1886 को इसे फ्रांस देश ने अमेरिका को गिफ्ट किया था। न्यूयॉर्क शहर दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपतियों और करोड़पतियों का घर भी माना जाता है। यहाँ पर लगभग 97 अरबपति हैं और लगभग 3,80,000 करोड़पति हैं। 2001 में हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का टेररिस्ट अटैक तो आप सबको याद होगा, जिसमें 3,000 से ज्यादा लोग मरे थे और 25,000 लोग घायल हुए थे। इस अटैक में अमेरिका को लगभग 2,00,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। अगर आप न्यूयॉर्क में रहने का प्लान कर रहे हैं तो आपको वहां जाने से पहले बता दें, यह सिंगल बेडरूम का रेंट $3,500 है। न्यूयॉर्क में समलैंगिक विवाह यानी दो सेम जेंडर के लोग शादी नहीं कर सकते। आपको यह जानकर बड़ा अजीब लगेगा कि 2015 में सरकार ने न्यूयॉर्क में आदेश दिया था कि सब अपने घर के पुराने टीवी या कंप्यूटर को बदल कर नया ले लें, नहीं तो उन्हें $100 का फाइन देना पड़ेगा। न्यूयॉर्क में हर साल प्रेग्नेंट लेडीज में से 40% प्रेग्नेंट लेडीज अबॉर्शन करवा लेती हैं। इतना अमीर और डेवलप होने के बाद भी आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 2014 की एक सर्वे के अनुसार यह पता चला कि न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका की सबसे अनहैप्पी सिटीज में से एक है। न्यूयॉर्क की सरकार ने न्यूयॉर्क वासियों को 311 का एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, जिस पर कॉल करके वह अपने लिए फ्री होम डिलीवरी कॉन्डम मंगवा सकते हैं। इस छोटे से न्यूयॉर्क शहर में 1200 से भी ज्यादा पिज्जा के रेस्टोरेंट हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊंगा।